नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा मुंडा विचार मंच त्योंथर रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मनुष्य के रूप में जन्म होना भाग्य की बात है, पुण्य भारत भूमि में जन्म होना तो सौभाग्य की बात है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि 100 जन्मों की पुण्याई के बाद मनुष्य के रूप में जन्म होता है, वही पुण्याई जब 2 गुना हो जाती है तो पुण्य भारत भूमि मिलती है, वही पुण्याई अगर 3 गुना हो गई तो मातृभूमि में प्राण न्योछावर करने का अवसर मिलता है। मातृभूमि में प्राण न्योछावर करने वाले कुछ महापुरुषों ने अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व, कृतित्व, विलक्षण प्रतिभा के कारण भगवान के रूप में भी याद किए जाते हैं। एक निर्धन आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा ने अशिक्षित, शोषित, पीड़ित, असंगठित समाज को संगठित किया। ईसाई मिशनरी और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, हार नहीं मानी, अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, भगवान के रूप में याद किए जाने लगे। उन्होंने जिस प्रकार आदिवासी समाज को जागृत एवं उद्वेलित किया कालांतर में, उसी प्रकार भगत सिंह के बलिदान ने भारतीय जनमानस को झकझोरा था। आजादी के अमृत महोत्सव पर हिंदू धर्म के रक्षक, आदिवासी समाज के गौरव के प्रतीक, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के शौर्य, वीरता, साहस को प्रदर्शित करती हुई एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। है इस महान धरा को जिसमें हर हिंदू के गौरव भगवान बिरसा जन्मे थे। इन्होंने आदिवासियों और भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था जिसके राज्य का कभी सूरज अस्त नहीं होता था। उस समय के आधुनिक हथियार तोप, गोला, राइफल,
के होते हुए भी अंग्रेजी हुकूमत की आर्मी एक सामान्य जंगल में रहने वाले आदिवासी के नाम से भाग खड़ी हुई थी। अपने खिलौनों से खेलने की उम्र में महानायक बिरसा ने आदिवासियों के धर्म गौरव स्वाभिमान की रक्षा का बीड़ा उठाया और उसे निभाया भी। आइए बात करते हैं उस महानायक बिरसा के बारे में। असल में कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई, जब अंग्रेज भारत आए, जोमो केन्याटा ने लिखा है। जब ब्रिटिश अफ्रीका आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। हमने जब आंखें खोली तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। अंग्रेजों की भारत में शुरुआत व्यापार करने से, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों का मानना था कि आदिवासी असभ्य होते हैं क्योंकि वो काले होते हैं और उनका जन्म सिर्फ गुलाम बनने के लिए हुआ। सन 1764 में हुए बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल प्रेसिडेंसी में आ गए और अंग्रेजों को यहां से लगान लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेजों ने इन इलाकों में अपने जमींदार साहूकार नियुक्त किए जो प्रजा से जबरन लगान वसूलते और अंग्रेजों तक पहुंचाते। वो जब चाहते लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर देते। इसी दौर की बात है। बिहार के दक्षिणी भाग यानी अब के झारखंड में कई जनजातियां रहती हैं, जिनमें से एक है मुंडा जनजाति। मुख्यतः मुंडा जनजाति सैकड़ों वर्षों से जंगल के सहारे अपना जीवन निर्वाह करती थी, कंदमूल जैसे जंगली फल खाकर और जंगलों से अपनी बाकी जरूरतें पूरी करती थी। थोड़े से धन अर्जन के लिए जमींदारों साहूकारों के यहाँ बेगारी करना, दूसरों के खेतों में मजदूरी करना जैसा काम करती थी। कुछ लोग खेती भी करते थे, परंतु ज्यादातर मुंडाओं का सहारा मजदूरी, बेगारी या जंगली था। मुंडा जनजाति मोटा अनाज या घास के दाने उबालकर घाटों खाकर अपना पेट पालते थे। इनकी दशा बहुत खराब थी। ऐसे समय में 15 नवंबर 1875 में चालकाद उलीहातू नामक जगह पर एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ, बृहस्पतिवार, जिसे वीरवार भी कहते हैं, को जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम बिरसा रखा गया। यही बालक आगे चलकर महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा कहलाए। बिरसा बचपन से ही विलक्षण प्रतिभाशाली बालक था। एक बार बिरसा के पिता सुगना मुंडा दोपहर में घर आए। बिरसा के भाई बहन घर के पास खेल रहे थे, पर बिरसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी कर्मी हाथू से पूछा, बिरसा कहाँ है? कुछ देर पहले तो यही था, मैं पानी भरने गई, इतने में जाने कहाँ चला गया। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तभी बिरसा एक खरगोश हाथ में पकड़े जंगल से आता हुआ दिखा। सुगना और कर्मी हाथू ने दौड़ कर उसे पकड़ लिया। अकेले कहाँ गया था? जंगल जंगल, अगर कोई जानवर पकड़ ले जाता तो? तुम चिंता मत करो माँ, जंगल हमें पालता है, जो हमें पालता है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचने देगा। पर बेटा, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। ठीक है बाबा, पर मैं अकेला कहाँ था, ये खरहा था तो मेरे साथ। कहकर बिरसा हंसते हुए अपने भाई बहनों के साथ खेलने लगा। बिरसा के माता पिता को बिरसा की चिंता होने लगी। उन्होंने बिरसा को उसके मामा के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। बिरसा 8-9 वर्ष का था जब मामा के गांव में पढ़ाई करने के लिए गया था। यहाँ पाठशाला में रहकर पढ़ना लिखना सीखा और मिशन स्कूल से
लोअर प्राइमरी की परीक्षा पास की। उसके बाद अपने गांव चालकाद वापस आकर अपने पिता से आगे पढ़ने की जिद करने लगा। सुगना को समझ नहीं आ रहा था बिरसा इतना पढ़कर क्या करेगा। ना चाहते हुए भी सुगना ने बिरसा का चाईबासा के मिशन स्कूल में दाखिला करवा दिया। एक दिन अचानक बिरसा की मुलाकात एक बूढ़े से हुई। तुम कौन हो बाबा, यह क्या कर रहे हो? बेटा, मेरा नाम सनी का मुंडा है। मैं भगवान का इंतजार कर रहा हूँ। भगवान का? हाँ, हम आदिवासियों की हालत बहुत खराब है। अब तो सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकता है। क्यों, क्या हुआ? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें दिखता नहीं ये अंग्रेज हमारी जमीन, हमारे जंगल हमसे छीन रहे हैं। अरे, इन्होंने तो हमारा धर्म तक हमसे छीन लिया है। हमारे बच्चे, हमारी औरतें सुरक्षित नहीं है। हमारी जिंदगी तो नरक बन गई है। अब और नहीं सहा जाता। मैंने सुना है जब पाप बहुत बढ़ जाता है तब भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। मैं उन्हीं की बाट जोता हूँ। हे भगवान, मैंने तुझे देखा नहीं पर मुझे पूरा विश्वास है तू मुझे देख रहा है। हे भगवान, अपना दूत भेजो जो हमारी रक्षा करे। बिरसा को उस बूढ़े की बात ने सोच में डाल दिया था। बिरसा को अब तक समझ आने लगा था कि अंग्रेज उसकी संस्कृति, जल, जंगल, जमीन को उनसे छीन रहे थे। कैसे चालाकी से इन आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराकर अपना गुलाम बना रहे थे। बिरसा ने कोल क्रांति और संथाल क्रांति के बारे में जानकारी इकट्ठा की और तय किया कि अपने जंगल, जमीन और धर्म की रक्षा करेंगे। बिरसा जितना ईसाई धर्म के बारे में जानते थे उतना ही हिंदू धर्म के बारे में भी जानते थे। वो जानते थे कि अगर अंग्रेज सरकार से लड़ना है तो सब आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। वो जानते थे आदिवासियों में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को किसी दृढ़ शक्ति पर विश्वास दिलाना होगा। बिरसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और खुद को धरती आबा और सिंह बोगा का दूत घोषित कर दिया। बिरसा ने आदिवासियों को जनेऊ पहनने और तुलसी की पूजा करने का आदेश दिया। बिरसा ने आदिवासियों को कहा, हमें किसी के डर, लालच या मजबूरी में धर्म बदलने की जरूरत नहीं। बिरसा ने अपने अनुयायियों को साफ सुथरा रहने को कहा। बिरसा के अनुयायियों ने, जिन्हें वीर साहित कहा जाता है, गांव गांव, बस्ती बस्ती में बिरसा के संदेशों को पहुंचाना शुरू कर दिया। ये बिरसा के संदेशों का ही प्रभाव था कि हैजा और चेचक जैसे रोगों को फैलने से रोक दिया और सैकड़ों लोगों की जान बिरसा ने बचा ली। अब बिरसा ने मुंडाओं को लगान देने और बेगारी करने से मना कर। अब बात सभी मुंडाओं के गौरव की थी। जमींदार और अंग्रेज अधिकारी इस बात से दिल मिला गए। अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार करके 2.5 साल की सजा सुना दी। लगभग यही उम्र रही होगी बिरसा की जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वो जेल गए थे। अंग्रेज यह सिद्ध करने के लिए लगे थे कि बिरसा कोई भगवान नहीं, एक साधारण इंसान है। लेकिन अंग्रेजों का यह दांव उल्टा पड़ा। बिरसाइतों ने बिरसा के जेल जाने के बाद भी आंदोलन को जीवित रखा। भयानक अकाल के दिनों में आदिवासियों ने
जमींदारों को न तो लगान दिया, न बेगारी की और न ही अपना धर्म बदला। बिरसा अपनी सजा पूरी करके अपने गांव लौटा तो हजारों मुंडा चालकाद में इकट्ठा हुए। तब बिरसा ने कहा था, अबुआ दिशुमरे, अबुआ राज, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, यानी अपनी धरती, अपना राज। ये बिरसा के विचारों का ही प्रभाव था कि आदिवासियों ने तय कर लिया था कि अपनी जमीन के लिए विदेशियों को कर नहीं देंगे। अंग्रेजों और जमींदारों ने छल्ला कर आदिवासियों की बस्ती में आग लगा दी। आदिवासी जंगल में शरण लेने चले गए। वीर साइतों ने आदिवासियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहने के लिए मचान बांधी जाने लगी। आदिवासियों में हथियार, तीर, धनुष बांटे जाने लगे। पूरी तैयारी हुई और वो 25 दिसंबर 1899 क्रिसमस की रात भी आ गई जब मुंडाओं ने हथियार बंद अंग्रेजों के थाने, चर्च और सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। चुन चुन कर अंग्रेज मारे गए और उनकी इमारतों को आग लगा। हजारों मुंडा अचानक प्रकट हुए और हाहाकार मचाकर अदृश्य हो गए। अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई थी। जो बिरसा कल तक अंग्रेज हाकिमों के लिए एक मामूली आदिवासी था, वो आज पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के डर का पर्याय बन चुका था। हर तरफ मुंडा क्रांति, उल गुलान की चर्चा हो रही। एक छोटी चिंगारी ने देखते ही देखते बड़ी ज्वाला का रूप ले लिया था। सिंधु, चाईबासा, रांची, खूंटी, तमार, बसिया आदि जगहों पर सिर्फ उल गुलान था।
अंग्रेज आर्मी और पुलिस के अधिकारी जंगल की खाक छान रहे थे, पर मुंडाओं का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गांव के गांव खाली पड़े थे। सभी मुंडा जंगलों की गुफाओं और पेड़ों की मचानों पर थे और समय समय पर घात लगाकर अंग्रेज आर्मी को छका छका कर मारते। अंग्रेज आर्मी और पुलिस अब जंगलों में जाने से डरने लगे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए लालच का जाल बिछाया। उस समय पर 500 रुपए का भारी इनाम था बिरसा पर, लेकिन अंग्रेजों की चाल कुछ काम नहीं आई। आदिवासी गरीब जरूर थे लेकिन गद्दार नहीं थे। एक दिन अंग्रेजों को कहीं से खबर लगी कि नुमारी पहाड़ी पर मुंडा लोग हैं। ब्रिटिश आर्मी ने नुमारी पहाड़ी को घेर लिया और बच्चे बूढ़े औरत मर्द सबको गोलियों से घेर लिया। मंजर यह था कि सारी पहाड़ी पर लाशें बिखरी पड़ी थी। ये घटना जलियांवाला बाग की तरह ही थी। मिट्टी खून से लाल हो गई थी। ब्रिटिशर्स लाशों को रखकर इंतजार कर रहे थे कि और लोग आएंगे और लाशें बिछेंगे, पर अंत में लाशों को खाई में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद सारी मुंडा जाति में आक्रोश था। उन्होंने एक सुर में कहा, अबू आदिशों, यानी अपना स्वराज। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास बिरसा और उसके कुछ साथी पकड़े गए। बिरसा को जब गिरफ्तार किया गया तो कंधे पर जनेऊ, सिर पर सफेद पगड़ी और हल्दी रंगी धोती पहने हुए थे। बिरसा के हाथ, कमर और पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी थी। सारी मुंडा औरतें आदमी छाती पीट पीट कर रो रहे थे, पर बिरसा दुखी नहीं थे। उन्होंने कहा, हम अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। कोई भी क्रांति बिना कुर्बानी के पूरी नहीं होती है। बिरसा को जेल में सबसे अलग एक कोठरी में रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में लिख दिया गया कि हैजे से उनकी मृत्यु हुई है, पर सच तो ये था कि बिरसा को जहर दिया गया था। बिरसा भली भांत जानते थे कि प्राणों के बलिदान दिए बिना धर्म युद्ध नहीं जीता जा सकता। इसीलिए आदिवासी स्वाभिमान, गौरव, संस्कृत और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खेती करने वाले औजार को हथियार बना लिया। जंगल में रहे, कंदमूल खाए, पर हार नहीं मानी। अंत तक लड़े, समझौता नहीं किया। मात्र 25 वर्ष की उम्र में प्राण त्याग दिए। भगवान नहीं तो और क्या थे बिरसा। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सीख दी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। धर्म और स्वाभिमान से मूल्यवान प्राण नहीं होते। धन्य हो बिरसा। बिरसा, तुम्हें कहीं से भी आना होगा। घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी, यहां वहां से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ, मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाट जोतते।